सेटिस्फाइंग होंगे, कुछ ऐसे बने हैं यहाँ पे, अच्छे बने हैं मेरे हिसाब से। तो मैं तो बहुत देर आया, बट बुआ वगैरह बना दी तो काफ़ी मस्त बना दी, क्या बता। तो फाइनली गाइस पूजा हो गई है, तो गाइस यहाँ से राखी ले लेते हैं, मम्मी गई है राखी लेने के लिए। तो गाइस गाना याद आ रहा है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज राखी यानी कि आज रक्षाबंधन है, रक्षो का सूत्र बनेंगे आज सब भाइयों को। तो गाइस आज राखी है, आप सबको हार्दिक बधाई और मेरी जो बहनें हैं उनको हार्दिक बधाई है, जो देख रही हैं इस वीडियो को उनको भी रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई है। अभी के टाइम मैं करने वाला हूँ ये जो कप है इसमें रोटी लेना है, क्योंकि सरमन बनाना है, जहाँ पे पूजा होती है आज रक्षाबंधन के दिन उनकी सरमन की, तो सरमन जी बनाना है हमको। पहले गाइस जी ले लिए इसमें कप में ले लिए, तो चलिए इसमें पानी डालते हैं और घोलते हैं और बनाते हैं बढ़िया सरमन बेहतरीन वाले। सरमन कह रहा हूँ, सरमन का मतलब अपन अपनी नॉर्मल भाषा में सरमन मतलब श्रवण कुमार को सरमन बोलते हैं। श्रवण कुमार जी थे जिन्होंने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी अपने कंधों पर रखकर, उनको ही सरमन कहते हैं, श्रवण कुमार। चुप कर बे कुत्ते। ये घोल लिया ये देखो इसमें बढ़िया सा, तो अभी बनाते हैं यहाँ पे गेट पे। ये घोड़े के पैर हो जाएंगे, ये जो है उसकी पूछ। अरे भाई क्या मस्त पूछ बनी है यार, वाह। इसके कान हो जाएंगे, अब इसे बिठाना पर को श्रवण कुमार जी को, क्योंकि श्रवण कुमार जी आते हैं बैठ के, ये उनके हाथ हो जाएंगे। ठीक है बहुत बढ़िया, अब इधर वो बनाते हैं, आइए इधर बनाएंगे। फाइनली गाइस मैंने बना दिया है सरवर कुमार जी, और आई होप सेटिस्फाइंग होंगे, कुछ ऐसे बने हैं यहाँ पे। हैं ये क्या हो गया? और यहाँ पे अच्छे बने हैं मेरे हिसाब से, तो मैं तो बहुत देर आया, बट बुआ वगैरह बना दी तो काफी मस्त बना दी, क्या बता। फोटोज नीचे बने हैं तो वो बुआ ने बनाए, बहुत मस्त बने। ये देखो मेरे हाथ के सरवर कुमार, माय फर्स्ट आर्ट, यू मे सी एज। सो गाइस बुआ जी कर रही है सरमन मतलब श्रवण कुमार जी की पूजा, और उनको राखी बांधेगी, और ये देखो पूजा हो रही है कुछ टाइम में, मतलब क्योंकि मैंने आपसे बोला था ना पूजा होती है और बड़े जो लोग होते हैं पूजा करते हैं श्रवण कुमार जी की, आज के दिन रक्षाबंधन के दिन फिर सबको राखी बांधी जाती है, पर मेरे को पहले बन गई। लो गाइस इनको भी बधरिया में पहना दी राखी, तो इनकी पूजा होगी। 2000 years later. गाइस लगता है बारिश होने वाली है क्योंकि हवा चल रही है तो काफी तेज द्वारा। गाइस मैंने जैसा बोला था आपसे बारिश होने वाली है, तो देखो बारिश हो गई है। अब मैं बोलूंगा बारिश बंद भी हो जाएगी तो बारिश बंद भी हो जाएगी, लगता मुझे ऐसा ही है। ये मेहमान जो आए हैं इन्होंने बरसात कराई है भाई, ये देखो यही बोल रहे थे कि बरसात होगी आज सुबह सुबह से, और अभी तो बरसात होने लगी है। करा दी हमने भी छोड़ो, अरे हमें जी से मिलने जा रहे हैं, थोड़ा बारिश करा दी जाए। अच्छा अच्छा, लेट्स हैंड शेक, थैंक यू हमारी ब्लॉगिंग में लेने के लिए धन्यवाद आपका। अच्छा अरे कोई बात नहीं, हम इतने बड़े भी ब्लॉगर नहीं है कि आप आपको हम ब्लॉगिंग में, तो हम धन्यवाद आप धन्य हो जाए। तो बस पानी बंद हो गया, अब चलते हैं यहाँ से। देखो पूरा फुली पानी बंद हो गया, अब चलते हैं अपनी गाड़ी से। तो गाइस यहाँ से राखी ले लेते हैं, मम्मी गई है राखी लेने के लिए। गाइस राखी लेने के मार्केट में आ गया, क्योंकि वहाँ पर राखी अच्छी नहीं थी, अच्छी मतलब थोड़ी अच्छी नहीं थी, स्टाइलिश नहीं थी, बट यहाँ पर थोड़ी अच्छी है, तो यहाँ पर ट्राई कर रही है मम्मी। और बाकी बाजार में देखो भीड़ जैम लग गया भाई, पूरा जाम ही जाम हो रखा है। तो गाइस जाम खुल चुका है, काफ़ी डेंजरस लोग ले चुका है ये जाम, बहुत तगड़ा जाम है, बहुत लंबा भी है अग्रसेन चौराहे तक, और सबसे ज़्यादा 2 टायर व्हीकल्स है हर बार। गाइस 1980 के दशक में देखने को मिलता था कि बस पे आदमी बैठ रहे हैं, और अभी देखो भाई रक्षाबंधन के दिन आदमी बैठ रहे हैं बस पे। 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र, हमें संग रहना है। सोच रहा था घर पे जाते जाते फिंगर वगैरह पैक करा लिए जाएं, तो फिंगर पिक करा था, भैया ने बोला था फिंगर पैक करा देता हूँ। फाइनली गाइस पैक करा लिए, तो गाइस घर पे आ चुके हैं, अब गाड़ी रखते हैं अंदर,
मैं ऐसे खड़े करके चढ़ा देता हूँ भाई, क्योंकि बहुत सारा लगती है, मजा आता है चढ़ाने। सो गाइस घर पे आ चुका हूँ और नाइट हो चुकी है। घर पे आने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लिया था, ठहरा लिया था, तो अभी शाम को उधर पूजा हो रही है मंदिर पे, और गांव में कुछ ऐसा चल रहा है हाल, सबके यहाँ पर लाइट मिलकी हुई है। और राखी अभी 9 बजे के बाद बनवाऊंगा, क्योंकि अभी नाइट स्टे, मतलब वो बता रहे थे ना कि वो लगा हुआ है राहु केतु काल, तो 9 बजे का सोम व्रत होगा, तो उसके बाद राखी बनाएंगे। दीदी भी तो आज मेरे गाइस, और आज बर्थडे भी मेरे घर में किसका, मेरे फर्स्ट फोन का रेडमी नोट 10s, उसका बर्थडे है आज, क्योंकि आज ही के दिन में उसको खरीद के लाया था, तो उसका बर्थडे मनाएंगे भाई, मतलब कुछ भी। गाइस अभी बच चुके हैं 9, राहु काल खत्म हो गया है। गाइस अभी घर पे कोई नहीं है, चाची भी नहीं है, एक और चाची भी नहीं है, सिर्फ एक चाची हैं, और जो हमारी दादी हैं वो भी गई हैं डबरा, अपने वो भी अपने भाई के पास गई हैं राखी बांधने के लिए। तो समझ लो इस टाइम पे सिर्फ घर में कौन रहता है, भैया और बहन, बाकी सब लोग मतलब घर आधे आधे हो जाते हैं, कोई कहीं पे चले जाता है, कोई कहीं पे चले जाता है। तो गाइस गाना याद आ रहा है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, वही वाला, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना। भाई राखी तो बन चुकी है, अब देने वाला हूँ क्या मनी। अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकता है, हम शुद्ध गरीब है। गाइस मुझे हर बार रक्षाबंधन पे और भाई दूज पर एक क्या कहते हैं दुख सेना पड़ रहा है, वो दुख क्या है कि भाई दूज पर भैया को वो क्या नारियल मिलते हैं, और रक्षाबंधन भैया को जो मिठाइयाँ सब होती हैं भैया को मिलती है, भैया मुझे देते नहीं है। अब देखो दो डिब्बे मिले हैं मेरे, मेरा उन पर कोई हक नहीं है, मेरी टाटा मिस हो जाती है हमेशा, कोई हक नहीं होता है मेरा, मेरा सारा बेला घर साला सब कुछ होता है मेरे। गाइस मजाक कर रहा था, भैया वगैरह, भैया तो मिठाई खाते नहीं है, सब कुछ वही खाया था, भैया तो बस ऐसे ही रख देंगे, उनको खाना भी ना कुछ नहीं है, बच्चों ने फाड़ दे देखो। तो चलिए घर पे चलते हैं, नाइट हो गई काफ़ी है, देखो भाई लाइट लग गई सारे, और राहुल का खत्म हो गया, उसी के बाद राखी बनाई थी, चलिए घर आ गया। सो ऐसे काफ़ी सारी राखी बन गई हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बहनें भी हैं, काफ़ी सारी सिस्टर्स भी हैं, मामा जी की लड़की भी आई थी आज, मतलब लेके आए थे वहीं से, तो और चाचा की भी लड़की थी, तो उन्होंने राखी बांधी काफ़ी सारी, बट लेट हो गई, क्यों, क्योंकि राहु केतु काल था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, 9 बजे के बाद मुहूर्त निकला था, उसके बाद बांधेगी, दिन में नहीं, तो दिन में नहीं बनवाई थी इसी काल, क्योंकि राहु केतु काल चल रहा था, पता नहीं कौन सा काल चल रहा था, मैं तो राहु केतु को मानता हूँ, वही काल आता है जो ख़राब रहता है, तो वही चल रहा था, उसी वजह से लेट हो गया, बट बहुत अच्छा रहा। आई होप आपने एंजॉय किया आज की राखी, एंजॉय की तो लाइक कर दे रहा हूँ, चैनल पर सब्सक्राइब कर दे रहा हूँ, पास वाली बेल आइकन को जरूर बता देना। तो मिलते हैं अगर ब्लॉग में, मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड कीप स्टिल वॉचिंग टू सुकुमार ब्लॉग्स वर्ल्ड, बाय बाय।